Do bike modifications at your own risk. Gixxer SF की handlebar को modification करने के लिए ये video को first से last तक देखें. Video को बिल्कुल भी skip ना करें क्योंकि video के अंदर छोटे-छोटे points हैं जो आपको miss करना नहीं चाहिए. जो miss करने से आपका bike का modification properly नहीं होगा और आपको problem आ सकते हैं. So, I suggest you to watch full video carefully. If you like my videos and efforts, please like my videos and absolutely do subscribe. Thank you. Hello. Hi friends, how are you? So, the Gixxer bike, na, Gixxer SF, ka, to usse, uska jo, handlebar hai, isko leke bahut sari query aate hai mere paas, jo main jo handlebar ka mod karta hu. वो कैसे करता हूँ वो सब भाई. तो ये है आपका प्यारा Gixxer, देखिए. तो से जो हैंडल का मॉड करना है, जो हैंडल जो क्लिपन हैंडल पर लगाना है, तो मैंने वीडियो डाला है यूट्यूब में. फिर भी कोई मेरा दोस्त वगैरह है और यूट्यूब का सब्सक्राइबर होता है ना, वो सब बोलते एक डिटेल्स वीडियो बनाओ भाई, वो कैसे कैसे वो खोलना पड़ता है वो. तो आज हम दिखाएंगे आपको खोल खाल के टोटल. तो आपको इसके लिए कुछ टूल्स चाहिए होंगे. ये स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, एक 22 नंबर का रेंच और ये इस टाइप का एलन की लगेगा. तो ये वाला 5 नंबर का, 6 नंबर का और 4 नंबर का. तो भाई देखिए, ये है Gixxer. तो ये है इसका स्टॉक हैंडल बार है ये, ठीक है. तो हमको ये वाला मैंने दिया है, हमको इसको खोलना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा, ये वाला इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है. और ये सब खोलना पड़ेगा. तो देखते रहिए तो कैसे करना पड़ता है. ये वाला मैंने पहले से खोला हुआ है, ये कुछ मुझे काम था इससे, हाइड्रोलिक ऑयल चेंज करने में. तो ये वाला खोला हुआ है, तो मैं इससे आपको दिखाऊँगा कैसे खोलते हैं टोटल, ठीक है. तो रहिए मेरे हमारे साथ, देखते रहिए वीडियो पूरा देखिएगा. सो ये वाला स्क्रू नट खोलने के लिए आपको इस वाला जो इस टाइप का जो रेंच है वो लगेगा आपको. तो देखिए ये खोलना है, ये भी खोलना है, ये खोलना है, ये खोलना है, सब खोलना है, ठीक है. तो आप देखिए, तो सब कुछ अकेला पकड़ना पड़ता है. हम ये ब्रेक लीवर्स खोलेंगे फर्स्ट. ये लूज हो गया, ठीक है. ब्रेक लीवर्स खोल गए. ये डिश खोलेंगे आप, देखिए. थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो कैमरा है वो भी मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ. मेरा हिंदी थोड़ा सा ख़राब है तो समझ लेना भाई लोग. तो ये वाला आपको जो रेंज देख लीजिए, ये तो मैं भूल गया था पहले बोलने के लिए. ये 8 नंबर का रेंज लगेगा और ये आपको 10 नंबर का रेंज लगेगा. 8 और 10 भी रेंज आपका लगेगा, ठीक है. देख लीजिए पहले. अब आपको ये हैंडल का जो कंट्रोल होता है ये खोलना पड़ेगा. इस वाला हैंडल जो होता है इसको खोलना पड़ेगा आपको, ये वाला को. इसको खोलने के लिए स्क्रू है, तो ये खोल लीजिए. और एक बात, ये जो आपका जो ये मॉडिफिकेशन है क्लिप ऑन हैंडल बार का, तो ये आप हमेशा डुअल स्टैंड में, डबल स्टैंड में करिए, ठीक है. सिंगल स्टैंड में मत करिए. तो आप जब ये जो नट खोलेंगे ना, आपका जो
आपका जो ये हाइड्रोलिक का नट है वो खोलेंगे जब आपको प्रॉब्लम आएगा, तो हमेशा इसको डबल स्टैंड में करिए, पहले से ही डबल स्टैंड में करिए, ठीक है। ये बात याद रखना, आप हैंडल बार को मॉड कर रहे हो, आप क्लिप ऑन हैंडल बार लगा रहे हो, तो इसको हमेशा डुअल स्टैंड में करना, डबल स्टैंड में, ठीक है, सिंगल स्टैंड में मत करना। तो ये खोल जाएगा, अभी देखिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आता, तो आप पहली बार करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप एक काम करो, तो जो नट्स वगैरह है उसको आप आइडेंटिफाई करके रखो कौन सा नट कहा जाएगा, ठीक है। ये एक काम करो, ये फुल आपको खोलना नहीं पड़ेगा ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ही रखो, ठीक है, ऐसे ही रखो, हम जब ये वाला खोलेंगे तब ये लूज़ हो जाएगा, तब ये खोलने में आसानी होगा। देखिए कैसे होता है, कौन सा वाला स्क्रू कहाँ लगता है आपको ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा ही रहने दो। और ये नट है जहाँ ये आप पहचान के रख लो कहाँ जाएगा ये वाला नट, ठीक है, देखना पड़े ना, हाँ ठीक है। तो चलिए हम अब तो मिडिल में काम करेंगे, इधर, ठीक है। तो देखिए हम चाबी को निकाल लेते हैं, फिर ये खोलेंगे हम, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, ठीक है, पहले समझ लीजिए कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, पहले समझ लीजिए आप, ठीक है, फिर काम करिए। समझ के काम करने से सब कुछ अच्छा होता है, जो जोर लगाने से कुछ नहीं होता। तो हो गया, देखो ये हो गया, ये भी खुल गया और ये भी अब खुल जाएगा, देखो तो इसको निकाल लीजिए, ठीक है, हो गया, हो गया। तो देखिए हमने ये हैंडल को निकाल लिया है, ये काम हमेशा डबल स्टैंड में कीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो आपका जो हैंडल वो टोटली खुल गया है, तो आपको अब है ये खोलना पड़ेगा। तो ये वाला जो नट है इसको खोलने के लिए आपको पहले ये खोलना पड़ेगा, दिखाते हैं हम कौन सा वाला खोलना पड़ेगा आपको, फिर कीजिए बस, हम देखिए तो ये वाला और उस साइड वाला को खोलना पड़ेगा। तो उससे पहले आपको ये जो नट है इसको लूज़ करना पड़ेगा, ये जो 6 नंबर एलन की है उससे लूज़ होगा, इसको पहले लूज़ करिए फिर इसको खोलिए, तो आपको आसानी होगा, नहीं तो आप इसको खोलने में बहुत परेशानी होगा, ठीक है। तो पहले
इसको लूज़ करो, फिर इसको खोलो। ये जो 22 नंबर रेंज से खुलेगा, ये वाला नट 22 नंबर रेंज से खुलेगा, ये 6 नंबर का एलन की से खुलेगा। तो हम इसको लूज़ करते पहले, चलिए ये खोलने का टाइम, सावधान रहिए थोड़ा सा, भीतर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग लोडेड एक बैरल है लोहे का, स्टील का, तो ये बाहर ना आ जाए। और ये खोलने के बाद, खोलने के टाइम ये सामने आप प्रेशर मत दे, ठीक है। और ये इसको डबल स्टैंड पे कीजिए, डबल स्टैंड पे नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है, आपका बाइक गिर सकता है, ठीक है। आप इसको ऐसे पकड़िए, सामने से पीछे थोड़ा सा प्रेशर दीजिए, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खोलिए, डबल स्टैंड पे कीजिए, करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। सिंगल स्टैंड पे मत कीजिए। देखिए ये खोल गया, ये बैरल का बात कर रहा था मैं, ये वाला जो है, ये वाला स्प्रिंग लोडेड है, तो आप सिंगल स्टैंड पे करेंगे ना तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, तो आपका बाइक गिर सकता है, ठीक है। कोई बात नहीं, सामने प्रेशर मत देंगे तो कोई कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। तो अब आधे असली पार्ट, ये वाला देखिए जो नट है, ये वाला, ये दो इधर लगेगा, ठीक है, ये दो इधर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ ये वाला इधर लगेगा, ये वाला इधर लगेगा, ठीक है, ऐसे दिखाते हैं आपको, देखिए। तो ये वाला है, ये दो जो बोल्ट्स हैं ये लगेंगे, ये एडजस्टेबल बोल्ट्स हैं, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। तो ये इधर लगेगा, ठीक है, इधर और एक इधर लगेगा, ठीक है, और इसमें आपका हैंडल लगेगा। तो आपको ये हैंडल चाहिए, ये जो बोल्ट है ये चाहिए, तो मुझसे कांटेक्ट करो, मैं मेरा जो यूट्यूब से मेरा कॉल आता है, तो मैं ये जो बोल्ट है ये बनाता हूँ, तो आपको इस तरह का बोल्ट चाहिए होगा तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। तो मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर दे दूँगा और मेल आईडी दे दूँगा, तो आपको ये इस तरह का बोल्ट चाहिए होगा तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप क्या करना है, आप जो आपका जो पहले वाला ये था, पहले वाला जो नट था ना, ये देखिए, इसमें इंस्टॉल कर दो, ठीक है, ये हो गया। दूसरे में भी करो इसे, तो आइए लगाते इसको। तो इसको ऐसे पुश करना है, थोड़ा सा पुश करके घुमाना है, जोर से नहीं घुमाना है, धीरे धीरे से घुमाना है, ये अपने आप फिट हो जाएगा। सिम आप इस वाले में भी कीजिए, ये हो गया।
फिर जो आपका बाईस नंबर का रेंज है, इससे इसको टाइट कर दीजिए, थोड़ा सा पीछे प्रेशर दीजिए, इससे तो ये देखिए जो ये बाइक है, ये आप बाइक का फ्रंट है, ये देख सकते हैं। तो जो फ्रंट फोर्क है ना, इधर देखिए दो बोल्ट्स हैं, इधर ये वाला, ठीक है। तो ये दो बोल्ट्स आपको लूज करना पड़ेगा। तो ये खोलता है 14 नंबर रेंज से, 14 नंबर से देखिए, ये है 14 नंबर का रेंज, देख सकते हैं 14। तो ये दो नट्स खोलने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकते हैं, क्योंकि ये दो नट्स बहुत ही टाइट है, तो आपको मैनेज करके खोलना पड़ेगा। तो पूरा मत खोलिए, थोड़ा लूज कीजिए, ठीक है, पूरा आपको खोलना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा लूज कीजिए, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। और तो ये देखिए, ये वाला जो नट्स है, इस वाले को और जो नीचे का आपको दिखाया, ये वाले को लूज करने से आपको जो जायरोस्कोपिक फ्रंट का पोर्शन है, ये लूज हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा पुश कीजिए सामने और इसको नाप लीजिए कितना सा आपको चाहिए। तो मैं इसको देखिए, दोनों तरफ सेम होना चाहिए, जो आप जो इसका हाइट रखेंगे इसका दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो मैं इसको नाप लूँगा इससे इतना, ठीक है, फोकस का उठा लो, इस तरफ भी इतना ही होगा। आपको दोनों जो फोर्क्स हैं इसको सेम करना पड़ेगा, सेम हाइट में रखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये सेम है, तो हम अब इसको टाइट कर देंगे। बहुत सारा टाइट नहीं करेंगे, पहले इसको थोड़ा थोड़ा से टाइट करेंगे, बाद में इसको फुल टाइट कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो इसको टाइट करेंगे, नीचे नीचे नीचे। तो देख लीजिए, मैंने एक साइड इंस्टॉल कर लिया है, ये देखिए। तो मैं इस वाले को दिखाऊंगा अब कैसे करना है आपको, ठीक है। और ये देखिए, जो मैंने जो नीचे का नट लूज़ किया था और इस वाले नट को लूज़ किया था, ठीक है, इसके लिए ये थोड़ा सा, ये जो आपका जो हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक का जो पाइप है, ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, ठीक है, इस तरह भी और इस तरफ भी। तो ये दोनों का हाइट, जो आपका जो हाइट है, इसको आपको सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक हाथ से वीडियो कर रहा हूँ, एक हाथ से काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना भाई भाई लोग सब। तो अब मैं इस हैंडल में को करके दिखाता हूँ। इस वाले हैंडल में जब काम करना, तो पहले इसको मत लगाना, ठीक है, पहले
ये जो ब्रेक लीवर्स हैं, जो क्लास लीवर है और ये वाला है, इसको आगे पहले इंसर्ट कर लो इसमें, फिर ये जो हैंडल है इसको इधर लगाओ, लगा के इसको टाइट कर दो, ठीक है। ये वाला में उल्टा करना पड़ेगा, ये वाला में पहले इसको टाइट करना है, ज़्यादा नहीं टाइट करना, थोड़ा सा टाइट करना है तो हिले ना, ताकि तो अब ये खोल गया है तो इसको लगाना पड़ेगा हमको। तो जो नट्स हैं वो तो अपने संभाल के रखा ही है, ये वाला जो तार है, ठीक है, ये वाला, ये आपका एक्सेलरेटर का है, ये ठीक है, ये है आपका एक्सेलरेटर। तो इसको इधर देना है, इधर देख रहे हो आप, और ये वाला पोर्शन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है तो आप कोई मैकेनिक के पास जा सकते हैं, ठीक है, बट प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये ठीक ठाक है। अब एक काम करना पड़ेगा, आप चाबी से गाड़ी को थोड़ा सा स्टार्ट कर दो, ठीक है, तो ये वाला भी हो गया आपका, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसका लुक, ये देखिए जो आगे का पोर्शन है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, थोड़ा सा डाउन हो गया है सामने से, ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये था टोटल इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो ये देखिए अब आपको एक काम करना है, तो क्या करना है,
जो ये जो वायर्स वगैरह है होगा, तो इसको आपको थोड़ा सा सेटअप करना है। कैसे वो आप खुद ही समझ जाओगे कैसे, और कौन सा किसी किसी जो वायर होगा उसमें थोड़ा सा पुल पड़ रहा है कि नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा। पुल नहीं पड़ता है, मैंने तो किया है, पुल नहीं पड़ता है, फिर भी आपको देखना पड़ेगा कोई भी जो वायर है वो पुल्ड अप ना हो। तो आपको कोई भी जो ये जो ब्रेक का वायर है इसको, इसमें थोड़ा सा पुल आ रहा है, तो आपको नीचे से थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो क्लच का जो वायर है, ये क्लच का वायर जो मेरे जिक्सर में है वो इस तरफ से लिया हुआ है, इस तरफ से। तो जो इस वाले जो जिक्सर इस वाले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो नहीं रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी भी इसको चलाया नहीं है, कोई प्रॉब्लम लगता है मुझे नहीं आएगा। आएगा तो जो क्लच वायर है ये वाला मैं इस साइड से कर दूँगा, ठीक है। तो अभी मुझको एक टेस्ट राइड के लिए जाना पड़ेगा। तो अब जो बोल्ट्स अब ठीक से टाइट नहीं हुआ है वो ठीक से टाइट कर दो। ये वाला बोल्ट थोड़ा सा टाइट होगा, और जो नट और जो नीचे में आपने लूज़ किया था, ये वाला को लूज़ किया था, इस वाले नट को, ये सब टाइट कर दो। तो देखिए हमारा जो ये जिक्सर का हैंडल बार वो ठीक ठाक से लग गया है, तो सब कुछ नट वट टाइट है। तो आफ्टर जो नट वट टाइट देने के बाद में ये जो नट है, ये वाला बोल्ट, तो देख रहे हैं तो ये वाला जो बोल्ट होगा, ठीक है, इसको टाइट देने का लास्ट तक टाइट अप जो रेंज है 22 नंबर से उसे पूरा नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो पूरा देने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये वाला नट जो है, ठीक है, ये इधर इस तरह से क्लॉकवाइज टाइट होता है, ये भी क्लॉकवाइज टाइट होता है, ठीक है। तो ये इसको पहले टाइट कर दो, इस वाले नट को टाइट कर दो। टाइट करके ये वाला इस तरह से घूमता है, तो ये जो आपका हैंडल है इसको ऐसे कर दो, करके इसको धक्का दो, जोर से धक्का दो, तो ये टाइट हो जाएगा, टोटली फुल टाइट हो जाएगा। फिर जब टाइट हो जाए तब इसको लूज़ करो, लूज़ करके जो हैंडल बार है इसको सेटअप करो, किसी से टच ना करें, ये टैंकी से और फेयरिंग से इस तरह से टच करना, टाइट दे दो, ठीक है। यह है लास्ट स्टेप, ठीक है। तो आपको सब कुछ दिखा दिया, आपको कैसे जो टोटली दिखा दिया है, ठीक है। तो आपका जो ये जो नट लगेगा, आपको नट रिक्वायरमेंट होगा तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा जो फ़ोन नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, हुआ होगा, तो आप वहाँ से फ़ोन नंबर पे कॉल कर लीजिए मुझको, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन के बाद में हाई रोड में मत जाओ, पहले ट्राई करके देखो घर पे, फिर आप रास्ते पे जाओ, और नट वट सब ठीक से टाइट कर लो। तो थैंक यू, आज के लिए ये इस तक ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।